नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडर 10,000 के अंदर कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है जिन्हें आपको बाय करना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, तो दिमाग की इंद्रियां आप खोल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले स्मार्टफोन हमारे पास है रियलमी का। जी हाँ, यहाँ पे 6,000 से 7,000 रुपए की रेंज में अगर आप एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो रियलमी का C11 ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है। और इस समय जो बिग बिलियन डे सेल, अमेज़न की फेस्टिवल सेल और रियलमी की खुद की सेल और रेडमी की खुद की सेल जो चलने वाली है, इनमें जो स्मार्टफोन पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है उनके तहत यानी उनको देख कर ये वीडियो हमने बनाई है। और आपको ये 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी ये सेल, जिसमें आपको ये फायदे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 6,000 रुपए का। जी हाँ, अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, 5000 mAh की बैटरी है, 10 वाट का चार्जर मिलेगा, G35 MediaTek का ये प्रोसेसर है G35। यहाँ पे आपको 13 MP प्लस 2 MP और भैया 5 MP की यहाँ पे आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। इसका एक्चुअल प्राइस की बात की जाए तो 2GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज साथ में ये आता है, ये 7,000 रुपये का था, अब ये इस सेल में 6,500 का होने वाला है। अब उसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट से इसे बाय करते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा SBI के कार्ड पे, तो ये आपको मिल जाएगा 6,000 रुपए में। और इस प्राइस सेगमेंट में ये बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है। जी हाँ, आपको ये realme.com यानी realme फेस्टिव सेल पे भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको ये 6500 का ही मिलेगा, वहां पे उससे कम नहीं मिलेगा, वहां पे कोई भी कार्ड काम नहीं करने वाला है। जी हाँ, अगला स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का है poco C3। जी हाँ, ये न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, 5000 mAh की बैटरी दे रखी है, 10 वाट के चार्जिंग स्पीड है, 13 MP 2 MP 2 MP का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड में दिया गया है, 5 MP की आपको फ्रंट सेल्फी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। जी हाँ, ये 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज साथ में आता है, जो कि 7500 का यानी 7500 रुपए का है। इसका दूसरा वेरिएंट भी है 4GB 64GB, जो कि 8500 रुपए यानी 8500 रुपए का है। लेकिन एक्चुअल में अगर ये देखा जाए तो ये भैया poco C3 ये मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट पे। जी हाँ, यहाँ पे आपको मैंने बताया गया SBI का कार्ड यूज करेंगे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आपको पड़ जाएगा 6800 रुपए का यानी 6800 रुपए का। और दूसरा वेरिएंट है जो कि 7700 रुपए का पड़ जाएगा, यानी 6800 रुपए में 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज साथ में काफी अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है। अगर आपका बजट 7000 रुपए तक का है तो poco C3 आपके लिए बेस्ट चॉइस हो जाएगा। जी हाँ, वहीं पर अब बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो ये भैया स्मार्टफोन ये भी एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है जो कि रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी का Narzo 20A। जी हाँ, अगर आपका बजट है 8000 रुपए तक तो ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी दे रखी है, 10 वाट का चार्जर मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर दिया गया है। जी हाँ, ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हैं, 12 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरा दिया गया है, 8 MP की आपको इसमें सेल्फी मिलती है, फिंगरप्रिंट भी बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, वहीं पर बात करें इसकी स्टोरेज उसकी प्राइजिंग की तो यहाँ पे 3GB 32GB के साथ में आता है, जो कि 8500 का लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे 4GB 64GB जो कि 9500 यानी 9500 रुपये का लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टेड हो चुका है, Narzo 20 जो सीरीज है वो भैया आपको फ्लिपकार्ट पे 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी, और ये 12 अक्टूबर को भी रिवील होने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया आपको 10% का स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 7600 रुपए का आपको पड़ जाएगा, 7600 रुपए का। दूसरा वन 4GB 64GB वाला वो 8500 रुपए का आपको पड़ जाएगा, यानी कि ये स्मार्टफोन जो है 7600 रुपए आपके लिए बेस्ट डील हो जाता है। लास्ट में आपको बताऊंगा भी ये स्मार्टफोन जो हमने लिस्ट में लगाए हैं ये भैया क्यों बेस्ट है। जी हाँ, वहीं पर बात कर लेते हैं अगली प्राइस सेगमेंट की, यानी कि 9,000 से 10,000 रुपए के बीच में कौन से बेस्ट हैं। यहाँ पर टोटल 4 स्मार्टफोन हैं, जी हाँ, जो कि आप बाय कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं तो काफी अच्छी बात है, और चारों स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं Narzo 20। जी हाँ, ये Narzo 20 है,
यहाँ पे आपको अगर स्पेसिफिकेशंस की बात किया तो यहाँ पे आपको भैया मिलेगी 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले, 6000 एमएच की एक बड़ी सी बैटरी, 18 वाट की चार्जिंग स्पीड, G85 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का बैक साइड में कैमरा दे रखा है, 8 मेगापिक्सल की यहाँ पे सेल्फी दे रखी है, बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग और इसकी स्टोरेज की, तो ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज साथ में आता है, जिसकी प्राइस रखी गई 10,500 रुपये। इसका दूसरा वेरिएंट है जो कि भैया 4GB 128GB के साथ में, जिसकी प्राइस है 11,500 रुपये। अब ये 10,000 रुपये के अंदर आपको कैसे मिलेगा? नार्जो 20 सीरीज जो मैंने जैसे कि बताया, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टेड हो चुकी है और यहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 9,500 रुपये का आपको मिल जाएगा। जी हाँ, और 9,500 रुपये में नार्जो 20 एक बेस्ट डील हो जाती है। वहीं पर बात कर लेते हैं इसी प्राइस सेगमेंट में एक और स्मार्टफोन की, पोको M2 की। जी हाँ, ये दोनों स्मार्टफोन बड़े कंफ्यूज करते हैं अपनी प्राइस सेगमेंट में, और इसका जो प्राइस है भैया 500 रुपये डिक्रीज कर दिया गया है, यानी कि ये भी 10,500 का आ रहा है इस समय, 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज साथ में। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की। यहाँ पे भैया 6.53 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बॉक्स के अंदर 10 वाट का चार्जर मिलता है, चार्जिंग स्पीड भैया 10 वाट की एक्चुअल में चार्ज करते हैं सारे स्मार्टफोन जो भी हैं इस प्राइस सेगमेंट में, कोई भी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज नहीं करता है, खाली दिखाने के लिए ही बोला गया है। जी हाँ, वीडियोज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पोको M2 की, नार्जो 20 की और Redmi 9 Prime की, आप देख सकते हैं। तीनों को मैंने चार्ज किया और तीनों ही बहुत ही बुरी तरीके से परफॉर्म किया है, क्योंकि वो 10 वाट की स्पीड से ही चार्ज करते हैं। जहां पर आपको दिया 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है, आपको 8 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाती है, मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर दिया गया है और यहाँ पे 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज की जो प्राइस रखी है वो 10,500 रुपये है। ये फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 10% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप SBI का कार्ड यूज करते हैं, तो यानी कि आपको 9,500 रुपये का ये स्मार्टफोन आपको पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये भारी कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन एक ही प्राइस सेगमेंट में आते हैं। लास्ट में आपको ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं इसी प्राइस सेगमेंट में एक और स्मार्टफोन की, Redmi Note 9 की। जी हाँ, ये भी इसी प्राइस सेगमेंट में आ चुका है। कैसे? यहाँ पे इसकी जो प्राइस थी 12,000 रुपये थी, अब ये अमेजन पे आपको 11,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप HDFC का कार्ड यूज करते हैं तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जा रहा है, यानी 10,000 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, 5020 mAh की बैटरी, 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, G85 प्रोसेसर दे रखा है, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी है, 4GB 64GB वाले का प्राइस जो कि 12,000 रुपये था, अब वो 11,000 रुपये हो चुका है। HDFC का कार्ड यूज करेंगे तो वो आपको 10,000 रुपये का मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, चाहे वो पोको M2 हो, चाहे वो नार्जो 20 ही क्यों ना हो। अगर ये आपको 10,000 रुपये का मिल जाता है, यानी HDFC का कार्ड आपके पास है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट डील हो जाएगी अंडर 10,000 के। वहीं पर एक और स्मार्टफोन है भैया इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 10। ये भी एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है और ये आपको 16 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की एक भारी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि HD प्लस डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको भैया 5020 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, G70 प्रोसेसर दे रखा है, 16 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दे रखा है, 8 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी दे रखी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर दे रखा है बैक साइड में, और 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस रखी गई है 10,000 रुपये। और जैसा कि आपको पता है फ्लिपकार्ट के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन है उन पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा SBI के कार्ड पे, यानी कि 9,000 रुपये का आपको पड़ जाएगा। यानी कि अगर आपको इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं तो आप इसे भी बाई कर सकते हैं। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, 6GB रैम के साथ में आता है और 9,000 रुपये का आपको मिल जाएगा।
चलिए बात लेते हैं जो कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है, एक्चुअल में हमें पोको M2 बाय करें या नार्जो 20 बाय करें या रेडमी नोट 9। यहाँ पे देखिए कि 9 से 10,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में ये चार स्मार्टफोन जैसे कि मैंने बताया रेडमी नोट 9, पोको M2, नार्जो 20 और इन्फिनिक्स हॉट 10 है। यहाँ पे सबसे नंबर वन पे मैं रखना चाहूंगा Redmi Note 9 को। अगर आपको ये मिल जाता है, HDFC का कार्ड आप यूज करते हैं तो Amazon पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको मिल जाता तो आप वो बाय कर लीजिए, नहीं तो सेकंड नंबर पे है Poco M2 है। जी हाँ, मैं Poco M2 को इसलिए Narzo 20 से ऊपर रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको 6GB रैम के साथ में फुल HD डिस्प्ले भी मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे सेकंड रिकमेंडेशन हमारी होगी Poco M2, तीसरी होगी Narzo 20 और चौथा इन्फिनिक्स का हॉट 10। अगर आपको इन्फिनिक्स के फोन पसंद आते हैं तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं, 9,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। वहीं पर भैया 6 से 7,000 की जो प्राइस सेगमेंट में मैंने बताया था रियलमी C11 और Poco C3, तो अगर आपके पास 6,000 रुपये बजट है तो आप रियलमी C11 ले सकते हैं। मतलब अपने पापा को या मम्मी को खरीद के देना है, नॉर्मली यूज करते हैं वो लोग, तो आप 2GB रैम इसमें मिलती है तो आप ले सकते हैं इसे। लेकिन आप अगर अपने लिए लेना चाहते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको Poco C3 बाय करना चाहिए। 800 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे लेकिन 1GB रैम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जी हाँ, वहीं पर एक स्मार्टफोन जो Narzo 20A हमने बताया है वो तो 8,000 रुपये तक की आपका बजट है तो आप उसे बिना सोचे समझे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भैया बेहतरीन कैमरा मिल जाता है, बेहतरीन प्रोसेसर मिल जाता है और आप इसे बाय कर सकते हैं, और बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। जी हाँ, तो ये स्मार्टफोन 8,000 रुपये में बेस्ट है। बाकी आप अपने विचार बताएं आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा। मेरे हिसाब से 10,000 रुपये में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 9, उसके बाद Poco M2 और उसके बाद आता है Narzo 20, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10। आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज बता सकते हैं आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।